स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मीनाक्षी, तेरे मन में अहंकार आ जाए तो उसे निकाल देना। वाह, अगर अहंकार ऐसे ही निकल पाता तो रावण के मन से अहंकार कब का निकल जाता और वो मैया सीता को राम को सौंप देते। पर मीनाक्षी, अगर तेरे पास अहंकार आ जाए तो तू दौड़ के मेरे पास चली आना, मैं एक दो थप्पड़ मारूंगी ना तो अहंकार भाग जाएगा। ठीक है। आप यहाँ आइए, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, 3 जोड़ी चप्पल। अरे मेरे लिए 3 क्यों? कुड़ कुड़ मत करना बाप प्लीज। हाँ उस फैसले के पीछे क्या वजह थी ये तो माँ जाने और हर्षित जाने। ना उन्होंने कभी हमें बताया ना हमने कभी जानने की कोशिश की। मैंने जानने की कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी पर पता नहीं चला। हर्षित को लेके माँ का बर्ताव कुछ अजीब ही लगा मुझे। हर्षित को घर से निकाला तो कोई वजह नहीं थी, हर्षित घर में वापस आया फिर भी माँ कुछ नहीं बोली, ऐसा होता है क्या? अरे हर्षित, अब माँ के बारे में किताब में सब छपने वाला है तो आशाबेन को सब पता होना चाहिए ना। हर्षित भाई आप मुझे बताइए, जब आप घर से निकाले गए थे उसके बाद गोदावरी बहन ने आपसे मिलने की कोशिश की या आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी? मैं आपको बताता हूँ आशाबेन, माँ ने हर्षित को घर से निकाला था, दिल से नहीं। वो तो हर पल बेचारी हर्षित के बारे में ही सोचती थी। तू माँ के बारे में गलत मत सोच प्रवीण। मोटा भाई मैं तो मजाक में बोला था ताकि इंटरव्यू भारी ना लगे, अब इतना इमोशनल क्यों हो रहे? मजाक में भी क्यों बोला तू बता ना मुझे, मजाक में भी तू क्यों बोला? माँ बेचारी हर पल हर वक्त हर्षित के बारे में सोचा करती थी और खासकर त्योहारों के दिनों में। दिवाली के दिन जब वो दिया करती थी तब उनकी आंखों में दिखता था कि वो शिल्पा और हर्षित को याद कर रही है। मंदिर में भी कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता था कि हर्षित जरा पूजा की थाली देना। होली के दिन उनकी आंखें ढूंढती रहती थी हर्षित को कि कब ये अपने चेहरे पर रंग लगा के बाप के सामने जाए और माँ इसे न पहचानने का नाटक करके इसके साथ होली खेलती रहे। उन 4-5 सालों में हर दिन माँ कौशल्या थी और खुद कैकेयी बनकर राम को वनवास दिया और फिर दशरथ बनकर खुद तड़पती रही। संभाले अपने आप को मोटा भाई। सॉरी। अरे नहीं 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 कोई बात नहीं प्लीज। हर्षित भाई मैं जानना चाहती हूँ उस दौर के बारे में जब आपका रास्ता इस घर से कुछ समय के लिए अलग हुआ था। रास्ता अलग हुआ था लेकिन मैं यहीं था बाके मन में। सच कहा मोटा बहन, बा मुझे कभी नहीं भूल पाई और ना ही मैं उन्हें। मुझे आज भी याद है वो दिन, उस दिन भी बा का जन्मदिन था और बा ने उस दिन एक नई प्रथा शुरू की थी कि पूरा परिवार साथ मिलकर फैमिली फोटो खिंचवाए। अरे आ जाएंगी, सब्र करो। एक आइडिया है, जब तक भाभियां आती है ना तब तक हम भाई बहन एक ग्रुप फोटो निकलवाते हैं क्या? हाँ चलो। थैंक गॉड किसी ने बहनों का नाम तो लिया, मुझे लगा वरना मुझे सिर्फ यहाँ शोपीस बन के खड़ा रहना पड़ेगा। एक मिनट, कोई चाहे कहीं भी खड़ा रहे मैं यही खड़ी रहूंगी बीच में एंड दैट्स फाइनल। हमेशा आप लोग मुझे वहां साइड में खड़ा करते हो। और प्रवीण भाई याद है पिछली बार आपने मुझे वहां कॉर्नर में खड़ा किया था, फोटो में तो सिर्फ मेरा कंधा आया था, मैं यही खड़ी रहूंगी बस। एक मिनट,
इतने बड़े हो गए फिर भी बच्चे ही रहे। चलो अब उम्र के हिसाब से खड़े हो जाओ। चल अरविंद, अरविंद तू इधर, अरविंद प्रवीण, चल हेमंत, चारू चारू तू, हर्षद सुबोध। हेमल गट्टू, चल हेमल और बेबी। सुबोध इतना गैप क्यों रखा है, पास पास खड़े हो जाओ। भाई ये हर्षद भाई की जगह। हर्षद के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बा चल, ऐसा आप बोलती हैं पर मानती नहीं है। बा आपने अभी अभी कहा कि हर्षद यहां खड़ा रहेगा। नहीं मैं ऐसा बोली नहीं। आपने कहा था आंटी, मैंने भी सुना था। बा दिया है तो आ जाऊं फोटो खिंचवाने। हैप्पी बर्थडे बा। मां आशीर्वाद तो दीजिए। प्रवीण भाई, आशीर्वाद देने के लिए सिर पर हाथ रखना जरूरी नहीं होता। मां तो हमेशा दिल से आशीर्वाद देती है। मां ने सिर्फ मेरा नाम लिया और मेरी जगह बन गई, ये भी तो आशीर्वाद ही है। बा फोटो के लिए साथ में खड़ा रहूं? चलो छोकराओ अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। चलो चलो। हाँ चलिए, स्माइल प्लीज। खुद रो रहा हूँ। स्माइल आप भी स्माइल करिए। ओके ओके, आप चलिए स्माइल प्लीज। गोदावरी बहन की कुर्बानियों के बारे में बताइए। बड़ी बड़ी कुर्बानियां तो घर में सबको पता होती है, लेकिन हाउसवाइफ जो छोटी छोटी कुर्बानियां देती है उसके बारे में सबको पता नहीं होता। मुझको पता है। हाँ तो बोलिए। कुर्बानी छोटी नहीं थी, 3.5 घंटे की थी। इंटरवल छोटा था, एक ही समोसा खाने को मिला था और कुर्बानी में बा नहीं थी। आशा बेन कुर्बानी फिल्म के बारे में नहीं पूछ रही है, बा ने जो त्याग दिया उसके बारे में पूछ रही है। तो त्याग ऐसा बोलना चाहिए ना। हाँ हाँ त्याग। गोदावरी बेन के त्याग के बारे में बताइए। मैं बताती हूँ आपको। शरबत। कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर मेरे गांव में सिर्फ मेरा परिवार गुजराती है, बाकी सब बंगाली। मीनाक्षी भाभी, फास्ट फॉरवर्ड। अब बोलिए। बाबा है, तकलीफ में दिलासा तो सभी देते हैं, लेकिन बा वो तो सही मायने में सामने वाले की तकलीफ में भाग लेती है। बेबी बहन याद है वो दिन? अब्बा
इतने सारे जूते चप्पल, नीला पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं और मीनाक्षी दोनों पागल हो गए थे। आप होती ना तो आप भी पागल हो जाती। 90% डिस्काउंट। हाँ, 90% डिस्काउंट। कैसे रोशनो? अरे आइए आइए जल्दी जल्दी। ओ नीला बाबी, ये देखिए इतने सारे जूते चप्पल। इतने सारे हैं मेरे लिए? गट्टू, सब तेरे लिए नहीं है। मैं ये लेने वाला हूँ, मैं पहले से बोल देता हूँ। ये लेडीज की चप्पल है। हाँ तो अभी फैंसी ड्रेस में मैं बा बनूंगा तभी मैं ये पहन सकता हूँ ना। जब तू बा बनेगा तो लीला तुझे नई चप्पल लाकर देगी। तो फिर मेरे लिए? अभी आप ये वाली चप्पल लीजिए, ये है आपके चप्पल। 1, 2। मेरे लिए दो दो जोड़ी। लवली, मैं जरा ट्राई करके आता हूँ। अरे गट्टू, यही ट्राई करना इधर, तुम सब लोग लेडीज लोग के सामने। सी बाबा। गट्टू भाई बा मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं सारे घर के लिए दो दो तीन तीन जोड़ी ले आई। चारू वाला बेन के लिए भी लिए हैं। चारू के लिए तूने पैसे खर्च किए? नहीं नहीं, अब देखिए इतने सारे जूते खरीदे ना मैंने उससे, तो उसने मुझे एक जोड़ी फ्री में दे दिया, ये वाला। कैसा है अक्षी भाभी, आपकी कौन कौन सी है? ये क्यों रो रही है? मेरे लिए 5 जोड़ी चप्पल लिए बा। तो भी आप रो रही है? मैं गरीब घर की बेटी हूँ बेबी बेन, मुझे इतनी सहूलियत की आदत नहीं है। कहीं मेरे दिमाग में अहंकार भर गया कि मेरे पास 5-5 जोड़ी चप्पल है तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, अहम इंसान को नष्ट कर देता है। मीनाक्षी, तेरे मन में अहंकार आ जाए तो उसे निकाल देना। वाह, अगर अहंकार ऐसे ही निकल पाता तो रावण के मन से अहंकार कब का निकल जाता और वो मैया सीता को राम को सौंप देते। पर मीनाक्षी, अगर तेरे पास अहंकार आ जाए तो तू दौड़ के मेरे पास चली आना, मैं 1-2 थप्पड़ मारूंगी ना तो अहंकार भाग जाएगा। ठीक है। आप यहाँ आइए, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, 3 जोड़ी चप्पल। अरे मेरे लिए 3 क्यों? कुड़ कुड़ मत करना बाप, प्लीज। हाँ, अब आप गहने तो नहीं बदलती ना बार बार, तो कम से कम चप्पल ही अलग अलग पहन सकती हैं। चल ठीक है। हाँ मीनाक्षी भाभी, ये बात आप पे भी लागू होती है। ये देखिए कितने अलग अलग कलर्स और पैटर्न है, मुझे तो यही एक ही टाइप का जूता पहनना पड़ता है। मैं बच्चों को लेके आती हूँ, वो ये देखेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। मेहुल, मिताली, चैताली। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।